हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज बिन कॉलेज, इसमें आपका स्वागत है। इस चैनल में हम आपको आज बताएंगे कि आप कंप्यूटर के माध्यम से कैसे लोगों को टीच कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं मोबाइल के माध्यम से कैसे लोगों को टीच कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त कोरोना फैला हुआ है, और जिसकी वजह से काफ़ी छुट्टियां हैं, और इस छुट्टियों में स्टूडेंट्स का कोर्स भी लेट हो रहा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक ऐप और इसका सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, जिसका नाम है जूम। इस जूम पर आप ये कर सकते हैं, अगर टीचर हैं तो टीचर आप अपनी आईडी बना करके और अपना एक शेड्यूल डिफाइन कर लें कि इस शेड्यूल में इतने बजे मुझे ये मीटिंग लेनी है। मीटिंग का मतलब ये है कि आप उस पर टीचिंग कर सकते हैं। टीचिंग जब करेंगे तो कैमरा आपका जिस साइड पर होगा वो पूरा व्यू उसमें दिख रहा होगा, और जो स्टूडेंट्स को आप लोग ये देना चाहते हैं कि ये वीडियो उनको दिखे ऑन द स्पॉट, मतलब सेम टाइम पे, तो उसके लिए उनको एक यूनिक आईडी दे दी जाएगी। और वो आईडी जैसे ही स्टूडेंट्स अपने में लॉग इन करेंगे और वो आपके लेक्चर्स को डायरेक्टली देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जाएंगे google.in पे, और यहाँ पर सबसे पहले हम गूगल को स्टार्ट करेंगे। और गूगल को स्टार्ट करने के बाद, गूगल को दोस्तों स्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना है, एक मिनट, में ज़रा मेरा फ़ोन आ रहा है तो मैं इसको स्विच ऑफ कर दूँ। हाँ ठीक है, तो गूगल को स्टार्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मुझे लिखना है zoom.us और इंटर करता हूँ। zoom.us लिखने के बाद हमारे पास एक वेबसाइट आती है, और इस वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं। जूम की ये वेबसाइट है, इसमें कई सारी चीज़ें दिख रही हैं। हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, और डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे हमें कुछ नीचे डाउनलोड होता हुआ दिखेगा, लेकिन एक्चुअली हमें इस डाउनलोडिंग से कोई मतलब नहीं है, चूँकि मैं खुद तो अपने में इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं इस डाउनलोड को कैंसिल कर दूँगा और उसके बाद मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। आप भी अपने सिस्टम पे इसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे साइन इन और साइन अप इट इज़ फ्री, दो ऑप्शन दिख रहे हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं वो साइन अप इट इज़ फ्री करेंगे। साइन अप इट इज़ फ्री पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद वहाँ पर वो आपसे एक आपकी ईमेल आईडी, मतलब ईमेल एड्रेस आपसे मांगेगा, और आप इसे यहाँ पर साइन अप करवाएगा। और साइन अप के लिए जैसे ही आप यहाँ पर ईमेल आईडी देंगे, साइन अप करेंगे, आपको एक मेल आएगी। मेल आएगी तो मेल में आपको मैं दिखा दूँ, मेल मेरे पास क्या आई थी। ये मेल मेरे पास आई थी, हेलो, और इसमें बोला गया कि आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लें, और मैंने अपना अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया था। इस एक्टिवेशन के बाद जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको अब साइन इन कर सकते हैं। साइन इन कर सकते हैं दोस्तों, और साइन इन में आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी भर रखा है, और हमें केवल यहाँ पर साइन इन करना है। साइन इन करने से हम अपने जूम सॉफ्टवेयर्स में लॉगिन हो जाएंगे, और लॉगिन होने के बाद अभी मेरा कंप्यूटर चल रहा है, शेड्यूल मीटिंग ऐसे करके आ गया ये मैसेज, ठीक है दोस्तों। तो अब लेकिन हम चाहें तो इसको यहाँ से अब बंद भी कर सकते हैं, और इसको हम यहाँ से बंद कर दें। हम आपको अब सीधे सॉफ्टवेयर से दिखाते हैं कि जो सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ उस सॉफ्टवेयर पर क्लिक करते हैं, ये आ गया। इसके आने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कई ऑप्शन दिख रहे हैं। वैसे तो ऊपर है होम, चैट, मीटिंग एंड कॉन्टैक्ट्स, लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखना है, न्यू मीटिंग लिखा हुआ है, ज्वाइन है, शेयर स्क्रीन और शेड्यूल। हमें न्यू मीटिंग पे नहीं जाना है, मुझे शेड्यूल पे जाना है, और शेड्यूल के मुताबिक मुझे यहाँ पर कुछ भी उसका नाम रख देना है। मैं लिख देता हूँ लैपटॉप 2, ऐसे करके मैं मीटिंग का नाम रख दे रहा हूँ। मैं लैपटॉप के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा, डेट मैंने दे रखी है, टाइम मैंने दे रखा है, ठीक है दोस्तों, और ड्यूरेशन मैंने बोला है 30 मिनट का है, और कई चीज़ में पर्सनल।
हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो इतनी चीज़ें दी हुई हैं इसमें फिर मुझे कई चीज़ें ध्यान देनी, इसमें फिर ये जो आपका है पर्सनल मीटिंग आईडी ध्यान देनी है, और ये पासवर्ड मुझे क्लिक नहीं करना। मैं चाहूँ तो ये जनरेट ऑटोमेटिकली मीटिंग आईडी दे सकता हूँ, लेकिन पर्सनल मीटिंग आईडी देना ठीक रहता है। और यहाँ पर मैं शेड्यूल क्रिएट करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया और मेरा एक शेड्यूल क्रिएट हो गया। शेड्यूल क्रिएट करने के बाद क्या करना होता है, आप देखते हैं जैसे शेड्यूल क्रिएट कर होता है, एक नीचे की तरफ आप देखेंगे एक आइकन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि आपने जो शेड्यूल बनाया है कि ये मीटिंग होगी, स्टार्ट इतने बजे होगा, एंड इतने बजे होगा। मैंने यहाँ पे टाइमिंग गलती से दे दिया है कि 1 बजे स्टार्ट होगा और 1:30 पे ख़त्म होगा। आप जो भी टाइम देना चाहें दे सकते हैं। अब जिन लोगों को आपको ये मैसेज भेजना है उन सबको आप थ्रू मेल भेज सकते हैं, जैसे कुछ भी abc@gmail, कई लोगों को भेज सकते हैं gmail.com और कॉमा, इस तरीके से बहुत सारे लोगों को आप भेज सकते हैं। जैसे एक को भेजें, एक लिस्ट बना करके आप लोगों को सेंड कर सकते हैं जिसमें लिखा है हेलो शमसुल्लाह, राइटिंग टू शेड्यूल जूम मीटिंग समथिंग, और पूरा वो दे रखा है। और ये मीटिंग की आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आईडी दे रखी है ये आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का काम आने वाला है। ये मीटिंग आईडी लोगों को भेजनी है। तो मैं तो इसके थ्रू नहीं भेजता हूँ, मैं इसके थ्रू कभी नहीं भेजूंगा। मैं भेजूंगा इसको थ्रू व्हाट्सएप भी भेज सकता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को भेजना है तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूंगा ये मीटिंग आईडी। अच्छा, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मैंने कहा मुझे इसको सेव नहीं करना है, मुझे मेल नहीं करनी किसी को। दोस्तों ये हो गया शेड्यूल हमारा। अब शेड्यूल के बाद आप जैसे देखेंगे, जैसे मैंने शेड्यूल बनाया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास लिख कर आ गया कि 12:05 हुए हैं और मेरा मीटिंग का शेड्यूल 1 बजे का लगा हुआ है, जो कि जब भी मैं स्टार्ट करूँगा वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं चाहूँ तो इसको शेड्यूल में वापस जाता हूँ, और शेड्यूल में वापस जा करके मैं 1 मिनट एडिट में चला जाता हूँ। एडिट में जाऊँगा तो यहाँ पर जो टाइमिंग इसमें दे रखी है कि 1 बजे स्टार्ट होगी, तो अभी तो मेरे हिसाब से इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 12:00, मुझे कितनी देर पे स्टार्ट करनी है, मैं चाहता हूँ 12:08 पे मुझे स्टार्ट करनी ही है। मैं सेव कर लेता हूँ इसको, मीटिंग आईडी इम्पोर्टेंट है, ये सेव हो जाएगी मीटिंग हमारी। और अभी जब तक ये सेव हो रही है फिर से मैसेज आ गया वापस कि आप फिर से मेल करना चाहें, क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किए हैं इसके अंदर। तो चेंजेस का अभी वो कहता है मेल भेजो, मुझे मेल नहीं भेजना है, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा लोगों को। हाँ जी, तो ये मेरी मीटिंग वही कराई, अभी 2 मिनट में स्टार्ट भी होगी, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर लूँगा। मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया और स्टार्ट करने पर वो दिखा रहा है कि अभी कनेक्टिंग बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, म्यूट है, स्टार्ट वीडियो है और ढेर सारी चीज़ें हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टार्ट वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ। स्टार्ट वीडियो पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये, चूँकि मेरा कैमरा जिस क्वालिटी का है वैसा आपको दिख रहा है। आप इसमें देखिए कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। मैं इसको अभी फ़िलहाल स्टॉप कैमरा करता हूँ, मुझे अपने आप को नहीं दिखाना है इसमें। हाँ जी, तो मैं इसमें करता हूँ जैसे मैंने कहा मैनेज पार्टिसिपेंट्स। जैसे मैं मैनेज पार्टिसिपेंट्स करूँगा मुझे साइड में दिखाई देगा कि कौन कौन इसको पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जिसके साथ मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ, मैं अगर मैंने मीटिंग आईडी दूसरों को भेज दी है और अगर कोई और भी इससे कनेक्ट होता है, बाय द वे कोई भी इससे कनेक्ट होता है और वो सेम मीटिंग आईडी यहाँ पर डालता है, जैसे कि मीटिंग आईडी मैंने एक पेपर पे लिखा हुआ है, मैं भी इसको यहाँ पे अपने मोबाइल में, बाय द वे मैं एज ए स्टूडेंट मोबाइल में यहाँ पर एंट्री करता हूँ, और जो स्टूडेंट होंगे वो ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करने के बाद 2 95 748 3 सॉरी 749 10163 समथिंग समथिंग। हाँ, ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करते हैं, स्टूडेंट अगर ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो स्टूडेंट भी यहाँ पर कनेक्ट।
हाँ, जैसे आप देखते हैं तो देखते हैं कि वो स्टूडेंट भी यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है। अब जो कि मीटिंग हमारी कितने बजे स्टार्ट होनी थी, जो टाइमिंग हमने दे रखा था उसके हिसाब से मीटिंग का टाइम हो गया। देखिए मीटिंग स्टार्ट हो गई और हमारा वो जो मोबाइल है, या ये कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो कि कनेक्ट हो रहा था, वो स्टूडेंट अगर कनेक्ट हुआ और उसने अपनी वीडियो को ऑफ कर रखा है, उसकी वीडियो को जैसे ही ऑन करेगा तो आप देखेंगे कि उसका भी व्यू यहाँ पर आने लगेगा। बाय द वे वो स्टूडेंट अपनी कॉपी में देख रहा है, एज एन एग्जाम्पल वो अपनी कॉपी में देख रहा है, ठीक है। तो अगर वो अपनी कॉपी में देख रहा है तो उसको उसकी कॉपी का भी दिखेगा, ठीक है। और अगर वो जहाँ पर भी देख रहा है वहाँ पर उसको दिखाई देगा, ठीक है। तो अब वो अगर कुछ लिख रहा होगा तो ऑब्वियसली उसका लिख रहा होगा तो उसका लिखा हुआ या वो जो भी अपना वीडियो में कर रहा होगा वो उसका दिखाई देगा, और आपका भी वीडियो यहाँ पर दिख रहा होगा, और इवन जो आप कर रहे हो वो आपको उसको ज़रूर दिखेगा। अच्छा, तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसको करने देते हैं, और मैं करता हूँ कि अब यहाँ पर एक तो पार्टिसिपेंट दिख रहा है और यूज़र भी दिख रहा है, तो दोनों लोग कनेक्टेड हैं। अब ये जब तक आप मीटिंग चलें, जब तक आप पढ़ाएं, तब तक वो बच्चा पढ़ सकता है, मीन्स आधे घंटे का टाइमिंग जो मिला हुआ है उसमें पढ़ सकता है। इवन इसके साथ इसकी रिकॉर्डिंग और बहुत सारे चीज़ें की जा सकती हैं। और अगर वो स्टूडेंट ये कह देता है कि हाँ उसकी स्क्रीन भी शेयर कर दी जाए, जो क्या बोलते हैं उसकी मोबाइल की स्क्रीन है, तो मोबाइल की स्क्रीन भी उसकी शेयर की जा सकती है। लेकिन ये टोटली उसकी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर जितने भी दोस्त ये फ्रेंड्स कनेक्टेड होंगे, जैसे एक ये तो होस्ट हो गया जो बोल रहा है इसमें, मतलब मैं बोल रहा हूँ, ये वो स्टूडेंट है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई और स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करेगा, कोई और पार्टिसिपेंट स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा, तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट होंगे सब पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, वो सब यहाँ पर शो होते रहेंगे और आपकी लाइव वीडियो उनको दिख रही होगी। दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो जो भी टेक्निकल नीड्स के हिसाब से बनाई जा रही हैं वो आप तक इजीली पहुंच सकें। इसी के साथ नमस्कार। और दोस्तों, यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी था कि अगर जब स्टूडेंट्स से कनेक्ट होंगे तो उन्हें अपने मोबाइल में जूम सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जैसे ये स्क्रीन आती है इसमें साइन अप या साइन इन ना करें, तो अभी उन्हें ज्वाइन अ मीटिंग पर क्लिक करना है। ज्वाइन अ मीटिंग पर जाने के बाद जहाँ पर मीटिंग आईडी लिख रहा है, यहाँ पर हमें वो आईडी देनी है जो मीटिंग आईडी उनको सेंड की गई है। जैसे ये मीटिंग आईडी यहाँ पर फिल कर दी गई, अब इसके बाद ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करते ही ये यूज़र उस टीचिंग लेसन से या उस मीटिंग से कनेक्ट हो जाएगा और उसको लाइवली देखना शुरू कर देगा।